Hello everyone, Assalamu alaikum. This is fedan Pasha, back with more lectures on vectors. Today we are going to look at some possible questions. In the last 2-3 classes, we how we can use law of cosine to find the resultant of two vectors when they are making some angle with them. So let's look into a question. It says, uh, a boat travels across a river in which the water is moving at a speed of 1.8 meters per second. Okay. so this is where the water is moving this is the water velocity the velocity vector for the boat and the river are shown to scale in figure 1.1 point one so this is the diagram तो so, आपकी boat जो है ना वो 3 meters per second की velocity के साथ इधर जा रही है और जो water है जो पानी है जिस पानी में वो boat है वो water move कर रहा है to the left as 1.8 point eight meters per second स्टिकर अब आपसे क्या सवाल है भाई इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ द बोट इज थ्री मीटर्स पर सेकेंड अगर पानी रुका हुआ होता तो उसकी स्पीड थी तीन मीटर प्रति सेकेंड लेकिन जाहिर सी बात है पानी मूव कर रहा है और उसके ऊपर बोट है और वो बोट थ्री मीटर्स पर सेकेंड उस वक्त उसकी विलोसिटी जबकि पानी रुका हुआ था क्योंकि पानी भी मूव कर रहा है वन पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड से और बोट की वैसे अपनी वेलोसिटी थ्री मीटर्स पर सेकेंड है तो अब इसका रिजल्ट इफेक्ट क्या आएगा बोट जा रही है यहां जाए पानी रहा है कि यहाँ जाए, यहां जाए इट इज गाइन वो इज समे इन बिटवीन तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी डेफिनेटली हमें वही निकालना होगा तो बोर्ड इज डायरेक्टेड एन एंगल भी दियाका रिवर बैंक है हमने क्या रूल डिसाइड किया था वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन और मैग्निट्यूड ऑफ अ वैक्टर बट वी कैन चेंज द दिन ऑफ अ वैक्टर रूल क्या था सबसे पहले कि आई हैव टू टू ड्रॉ द इन ऑर्डर यानी एक बनाया और फिर दूसरा वैक्टर वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से पहला खत्म हुआ था लेकिन हम किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते तो एक काम ये करते हैं कि एक जो पहले से बना हुआ है तीन मीटर प्रति सेकंड इसको नहीं छेड़ते इसको एज इट इज ये मेरा एक फैक्टर हो गया ये जो वन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड का वैक्टर है

एंड पॉइंट था आपने स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाया एंड दिस इज योर रिजल्टेंट और आप किसी की कोई डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे ठीक है भाई सो दिस इज अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यू बनाओ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यू बनाओ लाइक दिस तो बीस से जो एक लाइन आ रही है जो जो ये एंगल है वही एंगल होगा ना भाई ऑल्टरनेट एंगल्स सो नॉट टू मैंशन दिस इज सिक्सटी डिग्रीज सही है जी एंड दिस इज वन पॉइंट तो ये आपका बेटर ट्राइंगल बन गया ये ये एक वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी। पहला वेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ दूसरा यहीं से स्टार्ट हुआ ठीक है स्टार्ट पॉइंट को मिला दे दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो आप रूल ऑफ को साइन लगा सकते हो लेट्स से वेलोसिटी इज वी सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर व्हिच इज दिस प्लस स्क्वायर व्हिच इज दिस व्हिच इज नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो एक साइड है थ्री और दूसरी साइड है वन पॉइंट एट तो थ्री इंटू वन पॉइंट एट इंटू ऑफ द एंगल बिटवीन दैम विच इज सिक्सटी जो रिजल्टेंट हमें चाहिए उसके सामने वाला एंगल है ना विच इज सिक्सटी डिग्रीज तो इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी एंड व्हाट आर गैर इज़ टू पॉइंट सिक्स मीटर्स पर सेकेंड समझ लो मिले सो ये आपका आंसर आ गया

एन uh, ऑब्जेक्ट आप ऊपर से देख लो ठीक है टू फोर्स एक्ट ऑन बी इन दॉर्जोटल डायग्राम फॉर दिसग्राम है भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन भी दी हुई है आपको ये आपकी वैक्टर डायग्राम है टू पॉइंट फाइव न्यूटन इधर है और सेवन पॉइंट फाइव इधर है Again, ये दो वेक्टर्स ऑर्डर में नहीं बने हुए ऑर्डर में नहीं बनने का मतलब जहां से पहला खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पे आके मिल दिस इज नॉट आर ड्रॉन इन ऑर्डर एक फोर से भाई सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन की डेट इज टूअर्ड द नॉर्थ ये आपके सामने ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ऑफ फोर्स ऑफ टू पॉइंट फाइव न्यूटन फ्राम थर्टी डिग्रीज ऑफ नॉर्थ ऑफिस तो ये थर्टी डिग्रीज नॉर्थ ऑफिस टू पॉइंट फाइव न्यूटन का वैक्टर है एड्स ऑन बी सब कुछ बड़ा क्लियरली ड्रॉइंग में गिवन है द मैथ ऑफ बी सेवन फिफ्टी ग्राम्स ठीक है uh, ड्रॉ एन एरो टू शो द द डायरेक्शन ऑफ ऑफ रिजल्टेंट टू फोर्सेज आप इन दो फोर्सेज के रिजल्टेंट को बनाने के लिए वेक्टर डायग्राम बना दे तो अगेन एक मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन को अपनी जगह रहने देते हैं ये जो टू पॉइंट फाइव न्यूटन है ना अगर सेवन पॉइंट फाइव देखो यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे पॉइंट बी पे खत्म हो रहा है तो पॉइंट बी से फिर टू पॉइंट फाइव स्टार्ट होना चाहिए तो ये जो टू पॉइंट फाइव न्यूटन है ना इसको उठा के मैं यहाँ आगे रख दूंगा देखो इस तरह से ये अब क्या हुआ भाई ये एक हो गया आपके पास देखो ये सेवन पॉइंट फाइव यहाँ ख़त्म हुआ यहीं से टू पॉइंट फाइव स्टार्ट हो गया वही लेंथ वही डायरेक्शन ना उसको मैंने यूं किया ना यूं किया कुछ भी नहीं किया उसको एज इट इज लाके जहां पे 7.5 खत्म हुआ था ना वहीं से 2.5 स्टार्ट कर दिया अब ये आपका स्टार्ट पॉइंट है ये आपका एंड पॉइंट है इसको मिला दें इनशाला फाका होगा ये आपका रिजल्टेंट है अब अगर चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो लाइक ये आपकी हॉरिजोटल लाइन है ना भाई तो इफ़ दिस इज थर्टी डिग्री देन दिस हैज टू बी थर्टी डिग्रीज़ तो एक्चुअली इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हुआ सिक्सटी डिग्री ठीक है ना तो दो एक्टर्स के बीच का एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री आपको ये सामने वाली साइड चाहिए विच इज द रिजल्टेंट तो अब अगेन रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दिस इज टू पॉइंट फाइव एंड दिस इज सेवन पॉइंट फाइव ना तो स्क्वायर रूट ऑफ टू पॉइंट फाइव स्क्र प्लस सेवन पॉइंट फाइव स्क्र माइनस टू इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज़ी जो रिजल्टेंट है उसके सामने वाला एंगल सिक्सटी डिग्रीज़ारा यूज डेट सिक्सटी डिग्रीज और यहाँ से आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी एस सिक्स पॉइंट सिक्स न्यूटन्स चिलिंग सीन है भाई तो एक हमारे पास ये चीज़ हो गई इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ अच्छा ये भी एक बच्चों वाला एम सी इसको भी जरा देख लेते हैं अ फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन पुशेज अ बॉल ड्यू नॉर्थ एंड अनदर फोर्स ऑफ थ्री न्यूटन पुशेज एट ड्यू ईस्ट क्या कुछ है ही नहीं इसमें व्हाट इज द माइंड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल तो तो पाइथा गोरा सिरम से निकल जाएगा बिकॉज दीज टू फोर्स आर पर पेंडिकुलर टू ईच अदर तो फाइव स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर द आंसर इज फाइव पॉइंट न्यूटन uh, रूट निकाल लेना सो आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है इस सवाल को समझते हैं टू फोर्सेस ईच ऑफ टेन न्यूटन भाई ये भी टेन न्यूटन है ये भी टेन न्यूटन है ठीक है ना एट सर्टेन एंगल एट साइड पी एस शोन इन द डायम एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ठीक है आप चाहें तो पहले उसको पॉज करके सोल्व कर ले फिर इसकी वर्किंग तो तो की वर्किंग दिखाता हूँ आपको तो अगेन आई है मुझे रिजल्ट चाहिए तो एक काम करते हैं जी ये जो दस न्यूटन की फोर्स है ना एक पहले किए मैंने अलग से डायग्राम बना दिए दस न्यूटन मैंने पहले यहाँ पर बनाया एज इट इज़ ये टू द राइट था मैंने भी इसको टू द राइट बनाया ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है ना मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया फिर जो दूसरी फोर्स है टेन न्यूटन की वो यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से पहला ख़त्म हुआ था तो दिस इज अगेन टेन न्यूटन जहाँ से पहला वाला ख़त्म हुआ था एंड uh, वही देखो वन ट्वेंटी डिग्रीज ये हॉरेजोंटल के साथ वन ट्वेंटी डिग्रीज बना रहा था ना तो ये भी हॉरेजोंटल के साथ क्या बना रहा है वन ट्वेंटी डिग्रीज बना रहा है ठीक है जी अब ये क्या होगा अब ये दो दस न्यूटन की फोर्सेज आ गई हैं ऑर्डर में अब स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दें अब दिस इज गोइंग टू बी यो रिजल्टेंट अब अगर ये वन ट्वेंटी सिक्सटी डिग्रीज अगर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो टेन तो स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अगेन लॉफ को साइन लगाएंगे माइनस टू इंटू टेन इंटू टेन इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन इज विचर्स डिग्रीज एंड मॉड्यूल कैट इज टेन न्यूटन ठीक है अच्छा, अच्छा अब इसको ना लाइक ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम हुई हो होगी इसमें एक चीज है जो समझ ले काम आएगी आपके वो ये कि जब भी जब भी दो वैक्टर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहन में रखिए जब भी दो वैक्टर्स एम सी क्यू में पूछ लेते हैं कभी कभार यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से नहीं पूछते हैं। जब भी दो वैक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जैसे इस केस में एक टेन न्यूटन उठानता दूसरा भी टेन न्यूटन उठानता उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ डिग्रीज एंगल्टी डिग्री दीजिए एंड दूसरी चीज क्या है कि उनके बीच का एंगल वन ट्वेंटी हो तो जो रिजल्टेंट रिजल्ट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू द द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल जैसे अगर यहां पे दस और दस का आंसर भी दस आ गया ना रिजल्टेंट बिकॉज उनके बीच का एंगल वन ट्वेंटी था बिल्कुल वैसे यहां पे एक वैक्टर लेफ्टी न्यूटन का और एक और वैक्टर भी है फिफ्टी न्यूटन का उनके बीच का एंगल है डिग्रीज़

उनके सम से बड़ा नहीं आ सकता तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट न्यूटन। मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स उनके डिफरेंस से छोटा नहीं हो सकता कुछ भी कर लो दो है ना, उनको किसी भी एंगल पर सेट कर दो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो उनके डिफरेंस से छोटा नहीं हो सकता जैसे इस केस में 50 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दूसरी जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था वो एक मैटर ऑफ फैक्ट धैन में रखिए टू वैक्टर्स With the same magnitude will yield the resultant vectors of magnitude equal to the magnitude of each individual vectors. If the angle between the two vectors is 120 degrees. समझ रहे हो आप मेरी बात कि भाई दो vectors हैं उनके बीच का resultant अगर उन दोनों का magnitude सेम है और आप चाहते हैं कि उनका resultant वही आए जो उन दोनों का individual magnitude था दो vectors का तो आप क्या करो उन दो राइटर्स को वन ट्वेंटी डिग्रीज पर सेट कर लो हमेशा ऐसा होगा कि उनका रिजल्टेंट वही आएगा विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल राइटर्स ठीक है भाई तो आई होप के कोसाइन लॉ में आपको काफी आसानी होगी बट अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करनी है अभी तो सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सर्ट्स पे ही बात चल रही है तो मेरे साथ रहें और अगले लेक्चर का कर इंतजार करें अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली क्लास में